स्वागतम मुहमांगतम। आज करेंगे हम सैमसंग टीवी का अनबॉक्सिंग। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। आप यहाँ पे देख सकते हैं 43 इंच का एलईडी टीवी है। तो गाइस इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स की जानकारी बताऊंगा, प्लस इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसके साउंड चेक करके सब कुछ मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। बस आप लास्ट तक बने रहिए और करते हैं हम अनबॉक्सिंग हमारे टीवी का। तो गाइस इस टीवी को बाहर निकालने के लिए हम एक टेक्नीशियन को बुलाए। तो गाइस ये हमारा टेक्नीशियन है जो इस टीवी को खोलेगा। ये तो टट्टी है, बाहर निकालेगा क्योंकि काफी बड़ी टीवी है, टूटने का डर है तो खर्चा बचाना है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। अबे गधे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू। गाइस काफी एफर्ट के बाद हमारा टीवी जो है मटेरियल है बाहर आ चुका है। तो अभी इसको चालू करेंगे और इसके हर एक फीचर्स की जानकारी मैं आपको दूंगा, इसमें क्या क्या मिलता है सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। बस बॉक्स के बाहर आने के बाद जो जो इसमें सामान मिलता है कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं। एक झोला ये आता है और एक बॉक्स ये आ जाता है और ये हमारा छोटू है जो अच्छा वीडियो आएगा, कुछ मतलब खास प्रोडक्ट आ जाता है, महंगा प्रोडक्ट आ जाता है तो ये हमारे साथ आ जाता है। बट हम इसको अपने साथ नहीं रखेंगे, इसको करेंगे हम साइड में। तो ये मिल जाता है हमें हमारे एलईडी को दीवार में टांगने स्टैंड, वॉल माउंट करने वाला स्टैंड। बस एक थैला मिल जाता है, इस थैले में काफी मटेरियल है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर, सब कुछ आपको एक एक करके निकाल के दिखाता हूँ। हमें इसमें काफी सारे पुस्तकें मिल जाती है, हमारे मिल जाता है वारंटी कार्ड है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रहेगा, एक ही पेज रहेगा। इससे आपको दिल के करीब रखना है क्योंकि एक साल वारंटी इसी भी मिलता है, अगर ये नहीं रहेगा तो आपको कंपनी वाला भाव नहीं देगा। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। ये वाला आप वॉल माउंट जो बताया था आपको, वॉल माउंट करने वाले पुस्तक है, देख लो कुछ इस प्रकार का है, काफी लंबा चौड़ा रहेगा। ये वॉल माउंट और स्टैंड करने का है, देख सकते हैं यहाँ पे, और पोर्ट्स की भी जानकारी इसमें दिया, बट हम बताएंगे पोर्ट्स की जानकारी खुद से देंगे तो आप देख लीजिए वीडियो देखिए। और ये है यूजर मैनुअल, इसे भी आप पढ़ लीजिए और इसे भी आप पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए, बट वीडियो लास्ट तक देखिए। मतलब आपको मत सिखा, चल। हमारे एलईडी के दो पैर मिल जाते हैं, मतलब उसके टेबल स्टैंड, एक था फांसी लगाने वाला वॉल माउंट और ये हमारे टेबल स्टैंड, और इसको लगाने के लिए चार स्क्रू मिल जाता है। हमें मिल जाता है एक रस्सी उड़ी खेलने के लिए बाहर, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टीवी चलाओ यंत्र रिमोट, कोई सेंसर रिमोट भी काफी बेहतरीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो सैमसंग टीवी, मतलब काफी तीन चार बटन ही दिए, काफी नहीं तीन चार बटन पर्टिकुलर बटन दिया जिससे हम एक क्लिक में ही हमारा नेटफ्लिक्स हमारा प्राइम वीडियो चालू कर लेंगे। तो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एलईडी के गाइस ये हमारा पैनल जो अल्ट्रा पिक्स एंड HDR पैनल है, मतलब काफी बेहतरीन पैनल है, 4K का कंपैरिजन मतलब टक्कर देने वाला है। बट हम चेक करेंगे 4K वीडियो लगा के देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है। बैक साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमें मेटेलिक मिल जाता है ये वाला पूरा, और ये वाला हमें फाइबर का मिल जाता है, और यहाँ पे इसके कभी काफी सारे पोर्ट्स दे दिए, पोर्ट्स का जो है यहाँ पे सेंसर मिल जाता है और एक बटन, एक में ही पूरी दुनिया समा गई है, एक ही बटन देते हैं हमें ये, बाकी रिमोट में ही सब ऑपरेट करना पड़ेगा। पोर्ट्स की बात करूं तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्स पूरे यहाँ पे दे दिए हैं, ज्यादा पोर्ट्स नहीं है बट जो भी है काम के सब पोर्ट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसबी का सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी का सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप हम आपका मीडिया प्लेयर मतलब इसमें आप अपना पेन ड्राइव लगा के चला सकते हैं, और दो HDMI का पोर्ट्स मिल जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक मिल जाता है डिजिटल आउटपुट ऑप्टिकल, मतलब यहाँ पे आपका होम थिएटर कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लाइन का वायर मिल जाता है जो आपका वाईफाई का केबल होता है, राउटर डायरेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक हमारा संस्कृति जो एंटीना टीवी का बंद हो चुका है यहाँ पे लग जाएगा वो, और AB कनेक्टर जो हमने आपको दिखाया था AB इन यहाँ पे लग जाएगा, जिसकी वजह से आपके सेटअप बॉक्स या कई सारे में 3 पिन जो ऑपरेट होते हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। हमने अपना टीवी जो है चालू करा, इसमें स्टार्ट में आपको दिखा सैमसंग टीवी प्रोवाइडेड बाय टाइजन, मतलब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो टाइजन का है, मतलब एंड्रॉइड के जैसा ही होता है, टाइजन मतलब सैमसंग का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइजन। और गाइस ये जो चालू हुआ है हमने असल में अपना वाईफाई ऑलरेडी इसमें कनेक्ट करा हुआ है, इस वजह से इसमें एक 9XM चैनल चालू हुआ है, मतलब
सैमसंग टीवी प्लस जो है यहाँ पे आपको दे देता है बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे मूवीज हैं। आप अगर अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं इसमें तो आप इन सभी को यूज कर पाएंगे। तो बात गाइस, अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे सैमसंग टीवी के प्लस के बगल में आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल टीवी, यूट्यूब, ग्लोरी टीवी, गैलरी, इंटरनेट, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा कि गाइस हर एक ऑप्शन मिल जाता है इस टीवी में भी। तो गाइस इसके पैनल की बात करूं तो गाइस काफी बेहतरीन पैनल है, अल्ट्रा पिक्स एंड एचडीआर का सपोर्ट है इसमें, मतलब काफी बेहतरीन पैनल है गाइस। और गाइस मैं आपको अभी इसमें यूट्यूब चला के 4K वीडियो लगा के इसके पैनल की क्वालिटी दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। 4K वीडियो लगा दिया है इसमें तो गाइस काफी बेहतरीन तरीके का हमारा चील बाज चील दिख रहा है तो गाइस काफी अच्छा क्लियरिटी है। अभी गाइस हम इसमें लगाएंगे, हम एक ऑडियो चेक करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसी है साउंड क्वालिटी, बने रहिए वीडियो में। वाह क्या सीन है। सो गाइस ये है हमारा NCS का म्यूजिक, हमने लगा दिया है कॉपीराइट फ्री, मतलब नो कॉपीराइट। सो गाइस अभी हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं 12, 13, 14। तो गाइस अगर आपको टीवी लेना है तो ले सकते हैं, काफी बेहतरीन टीवी है गाइस, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी काफी बेहतरीन है। इसका प्राइस रेंज की बात करूं तो गाइस ये आपको 35 से लेकर 36 के बीच में आपको मिल जाएगा, और इसकी MRP गाइस 40,400 की MRP है। तो आपको ऑनलाइन अलग सा रेट रहता है, रेट ऊपर नीचे होते ही है किसी भी LED के, तो रेट का कंफर्म मत लीजिए। अगर आपको टीवी लेना है तो टीवी ले सकते हैं, टीवी काफी बेहतरीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है।